पलजुर साहब, सबसे पहले ये बताए कि आज का जो ये गोल्डन जुबली मना रहा है तो इसके पीछे क्या आपका वो है आने वाले सालों में? देखिए, सबसे पहले तो ये एक इतिफाक की बात है। अक्टूबर एंडिंग में हम नया यूटी में कदम रखेंगे और सितंबर में, अब ये देख लीजिए, हमारा गोल्डन जुबली ईयर फॉल करता है। हमने बहुत सोचने के बाद ये सेलिब्रेशन आगे बढ़ने का हमने डिसीजन लिया। ये आप मान लीजिए ड्यूल पर्पस, मल्टीपर्पस सेलिब्रेशन था। एक तो जो हमने 50 साल में जो कमाया, इज्जत कमाया, लोगों को खिदमत की, उसका एक सेलिब्रेशन ऑब्वियसली था, और साथ ही साथ आगे जाने के लिए हमारा राह अच्छा हो, क्या कहते हैं उसको आप, ऑस्पिशियस हो, एक ऑस्पिशियस सेलिब्रेशन था, ताकि हम आगे जो नया दो दौर में हम जब कदम रखेंगे तो लद्दाख के पूरे खित्ते का जो आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज का जो मसला है वो इससे भी बढ़ के नया जुनून के साथ, नए जज्बे के साथ हम लोग इसको आगे ले पाए, इसी उम्मीद के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ हमने आज का ये जो छोटा सा सेलिब्रेशन था, ये एक सिंबॉलिक सेलिब्रेशन था, इसको मनाने का हमने डिसीजन लिया। सर, अभी बता रहे थे बहुत सारे स्पीकर की जब यूटी में कदम रखेंगे तो लद्दाख जो है तो इस कल्चर जो एकेडमी है इस पे थोड़ा बहुत सारे कुछ आशंकाएं वो बता रहे थे, तो इसके इसको अप करने के लिए आपका एकेडमी गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखते हैं? देखिए, अब ये मुझे कहाँ तक कमेंट करना चाहिए मुझे नहीं पता है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में जो मेरा ज़िम्मा है वो तो मैं पूरा कर ही करूँगा, लेकिन आगे जाके अब रीऑर्गेनाइजेशन में आगे पीछे तो होगा ही होगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है हमारे जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो लद्दाख के आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज को ले कर एक पॉजिटिव आउटकम के साथ, रिजल्ट के साथ आएंगे ही आएंगे, इतना मुझे भरोसा है। हाँ, शंका होना लाजमी है और शंका होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। जब शंकाएँ होता है, जब कन्फ्यूजन होता है, तब डिस्कशन होता है, जब डिस्कशन होता है तभी उसमें रिजल्ट आता है। मैं इसको कोई नेगेटिव नहीं समझता हूँ। अब लोगों में शंका है तो दैट्स गुड, हम उसको क्या कहते हैं, सेटल करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पर भी जिसको भी हमें लगता है कि हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए, हम उन सबसे कहेंगे कि आगे जाके नए दौर में, नए यूटी में, लद्दाख के यूटी में आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज को कैसे हम देखा जाएगा, कैसे इसको पाला पोसा जाएगा, उसके लिए क्या हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ला रहे हैं, वो सब मुझे लगता है एंड आई एम वेरी क्या कहते हैं होपफुल है कि कुछ अच्छा ही आएगा हमें। थैंक यू सर।